हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा ये प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाए और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपकी शादी किससे होने वाली है, हु विल यू मैरी, और जिस पर्सन से आपकी शादी होगी वो पर्सन कहाँ के होंगे, कौन से कंट्री के होंगे, कौन से स्टेट के होंगे, क्या ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुके हैं या अभी इस पर्सन का आना बाकी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता चलेगा कि उस पर्सन का रेसिडेंस, ठीक है, ये पर्सन कहाँ रहते हैं, कौन से कंट्री के हैं, उनकी नेशनैलिटी। उसके बाद आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि इस पर्सन का नेम इनिशियल क्या है, साथ साथ ये जो पर्सन है इनकी लव लैंग्वेज किस तरह हो सकती है, ये जो पर्सन है इनके अंदर इमोशंस है भी या नहीं, तो इनके क्वालिटीज़ को भी देखेंगे। और कुछ अगर ऐसी क्वालिटीज़ होगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, जो इनके अंदर कमी है, ठीक है, जो बहुत भरपूर मात्रा में, वो भी आपको पता चलेगा, जो कमी है वो भी आपको पता चलेगा। आपके आने की वजह से इनके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, और इनसे जो आपकी शादी हो रही है तो डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस लेकर आएंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये पर्सन आपको खुश रखने वाले हैं, मतलब कि आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे एक झलक यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आपके जो इन-लॉज हैं वो कैसे होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बताने वाली हूँ वो है फर्स्ट इम्प्रेशन, मतलब जब इस टाइम आप पर्सन से मिलेंगे, ठीक है, जब भी आपका फर्स्ट टाइम होगा तो आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करेंगे, ठीक है। आपके जो पर्सन, ऐसा हो सकता है कि आप लव मैरिज करो, ठीक है, जब लव मैरिज करोगे तो हो सकता है कि आप पहले तो आप इससे फ्रेंडली मिलोगे ना, तो क्या इंप्रेशन होगा, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ देखकर ये अट्रैक्ट होंगे, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। लव लेटर हो गया, लव सॉन्ग हो गया, सब कुछ। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले अलाइन हो जाना है, फैमिली मेंबर बन जाना है। कैसे, सब्सक्राइब एंड लाइक करके एनर्जी को क्लेम कीजिए, ठीक है। और पर्सनल लिंक के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक है। जीमेल पे तो आप डायरेक्टली मैसेज कर लेंगे, और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, नंबर नहीं देती हूँ, अवेयर रहिएगा। और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप अपनी पर्सनल लिंक ले सकते हैं, चाहे कनाडा में हो, यूएसए में हो, यूके में हो, ठीक है, या इंडिया में हो, या कहीं भी हो, ऑलराइट। सो टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले सभी लोग देख सकते हैं, ओके। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। सो पाइल वन, अगर आपका नाम EFGHIJKLQRSTY में आता है, या फिर ये जो नेम इनिशियल है आपका, नाम इससे शुरुआत होती है, तो पाइल वन आपकी रीडिंग होगी। एंड जो कार्ड है पाइल वन वो है आपका ओनली टाइम विल टेल, दिस इज फॉर पाइल वन, ओके। पाइल टू, अगर आपका नाम ABCDMNOPUVWXZ के बीच में आता है, या फिर कह सकते हैं कि इस नेम इनिशियल से आपका शुरुआत होता है नाम का, तो पाइल टू आपकी रीडिंग होगी। और जो कार्ड है आपके लिए वो है आपका एक्सेप्टेंस, दिस इज फॉर पाइल टू। सो अब आपको इंटिट्यूवली सेलेक्ट करना है भगवान ईश्वर जी जैसे अल्लाह वाहे गुरु। ये याद रखिएगा कि इस रीडिंग को कोई भी देख सकते हैं, चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप हो, अपने डॉटर के लिए, अपने सन के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हो, खुद के लिए देख सकते हो, और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, क्लिक करेंगे तो आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल वन, होप कि आपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट किया है, इससे आपके नाम की शुरुआत होती होगी, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक्चुअली में है कौन, उनकी पर्सनालिटी, उनका नेचर, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो जल्दी से पहले पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली फ्रेंड्स जो भी आप बनना चाहते हैं मेरे, ठीक है, या इस चैनल के आप बन सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ चुका है, और पर्सनल डे के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या कुछ भी हो, ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लें, ठीक है। यहाँ पे टू कार्ड्स और देखेंगे, दिस वन एंड एक लास्ट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन। ऑलराइट, यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्स ये आपको एक आंसर देना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी फ़िलहाल आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं,
जैसे कि ये मेरे साथ कब होगा, वो मेरे साथ कब होगा, इस तरीके से आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं ना कि तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर तुम्हें बहुत जल्दी मिलेगा और तुम बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन बनोगे या बनोगे, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। समय के साथ साथ तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होंगे, ओनली टाइम विल टेल। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे फ्यूचर स्पाउस मुझे कब मिलेंगे, मेरा सोलमेट मुझे कब मिलेगा, मेरे डिस्टेंट पार्टनर मुझे कब मिलेंगे, ऐसे आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो आपको मिलेंगे। और समय के साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि यस, आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ये भी बोलते होगे कि मैं तो डिज़र्व ही नहीं करती, मेरे किस्मत ही में नहीं है। लेकिन यही कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि तुम्हें समय के साथ पता चलेगा कि तुम्हारी किस्मत में लिखे हैं एक बहुत अच्छे पार्टनर। वेल, पहला कार्ड है यहाँ पे आपका, ओ माय गॉड, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ये एक बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, ठीक है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो। और इससे ये क्लियरली पता चल रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन होंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये आपके लव लाइफ को बहुत ही ज़्यादा निखारने को आ रहे हैं। अगर आपकी एज 40 है तो इनका 44 होगा, या इनका 44 है, ठीक है, तो हो सकता है एक दो साल आप ही बड़े हो, ये भी चांसेस हैं। ये सारे मैसेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बात यहाँ पे ये है कि अगर आप 30 के हैं तो 30 अपने एज के अकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है, आगे पीछे। तो बात यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन है ये ना बहुत ही दयालु इंसान हो सकते हैं। अब दयालु कैसे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जो है ये दिल का ज़्यादा सुनते हैं, ये दिल से ज़्यादा काम करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये एक डिवाइन पार्टनर आपके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप पूछते हो सोलमेट, ट्विन फ्लेम, मुझे या फिर डिवाइन पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मतलब किस्मत में लिखे हुए ये डेस्टिन पर्सन आपके हो सकते हैं, जो कि बहुत लविंग, ठीक है, डीप पैशनेट पर्सन है। और इस पर्सन की सेंशुअल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। ये जो पर्सन है ये बहुत सोलफुल इंसान है। देखिए, सोलफुल इंसान या फिर स्पिरिचुअल इंसान कह सकते हैं कि ये आत्माओं में, स्पिरिट में, डिवाइन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, इन सारी चीज़ों में बिलीव रखते हैं। ये दूसरों की मदद करने में, ह्यूमैनिटी में हेल्प करने में, दूसरों को सपोर्ट करने में, मदद करने में बिलीव रखते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन है एक बहुत सोलफुल इंसान हो सकते हैं जिसके अंदर सोल है, ठीक है, सभी के अंदर होता है, लेकिन कुछ लोगों का बिहेवियर इतना अजीब होता है ना कि शायद लगता ही नहीं कि कुछ पूछते हैं लोग कि तुम्हारे अंदर आत्मा है भी या नहीं, ठीक है, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग है भी या नहीं। लेकिन इस पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा कूट कूट कर फीलिंग्स भरे हुए होंगे, और साथ साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये कहीं ना कहीं बहुत इंटीमेट, ठीक है, या फिर कह सकते हैं ओपन और वल्नरेबल पर्सन है। इनके जो सेंसेस है, एवरी सेंसेस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वर्क करते होंगे। कुछ लोगों के होते हैं लाइक उनके साथ कुछ बुरा होने वाला लगता रहता है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते, फील ही नहीं कर पाते। देखिए, आपके जो पर्सन है वो दिल से बहुत ज़्यादा वर्क करते होंगे, काम करते होंगे, लेकिन इनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, क्योंकि इनके सारे सेंसर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते होंगे। ये कहीं भी जाते होंगे तो बहुत अवेयर रहते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं शादी के लिए एक डिवाइन पार्टनर, एंड वो डिवाइन पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, सोलफुल है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी होगी। देखिए, बात यहाँ पे ये है कि हो सकता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मैरिज वाले हो, पहले भी आपकी शादी हुई हो, या पहले भी आप रिलेशनशिप में, लिविंग में, किसी चीज़ में रहे हो, ठीक है, लेकिन कोई अच्छे कंपैटिबल टाइप पर्सन आपको नहीं मिले, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल है आपके साथ, एक जैसा सोच हो गया, एक जैसा रहना सहना हो गया, ठीक है, और लाइफस्टाइल हो गया, ये चीज़ है। तो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये एक मैजिकल चेंजेस मेरे लाइफ में लेकर आए, ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल मेरे जैसे सोचते हैं, रिलेशनशिप में रहने का तरीका भी बिल्कुल मेरे जैसा है, ठीक है, तब कितना आसान हो जाएगा ना आपका रिलेशनशिप। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की लव मैरिज हो सकती है। पहले आप रिलेशनशिप में आओगे, उसके बाद आप दोनों की लाइफ में जो भी मेस हो पड़े हैं, ठीक है, जो भी बहुत सारे फ्लॉज है वो सब खत्म होंगे, एक दूसरे को हील करोगे और मैजिक की तरह एक दूसरे को बदल दोगे। चाहे कोई भी काम हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ इवॉल्व होगे, एक दूसरे के साथ ग्रो करोगे, और इन्वॉल्व तो रहोगे ही रहोगे हर एक काम में, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली और कॉस्मिकली कह सकते हैं कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं और इवॉल्व हो रहे हैं टुगेदर। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक मैनिफेस्टेशन के थ्रू भी आपको मिल रहा है। कुछ लोगों ने हो सकता है कि मैनिफेस्ट किया है और ये पर्सन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो पहला कार्ड है, ये एक्सप्लेन मैंने आपको अच्छे से कर दिया, इसलिए बता दिया कि आपके जो पर्सन है ये आपके लाइफ में एक ऐसे इंसान है जो कि न्यू पर्सन है,
या फिर करेंट पर्सन से आपकी शादी भी हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, तब उस वक्त आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होगी। हो सकता है आपके पेरेंट्स, आप पेरेंट्स से दूर हो, कोई नहीं केयर कर पा रहा आपकी, लेकिन ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, आपकी केयर करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपके अंदर जो भी फ्लॉज है उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है 44% चांसेस हैं कि ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं ये पर्सन आपके लाइफ में। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के लाइफ में आना बाकी है। ये एक ऐसी लेडी है, ये एक ऐसे पर्सन है जो कि आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करेंगे। ठीक है, आपको आपका हाथ थाम कर रखेंगे। ठीक है, आपके दिल को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। उसके बाद ओ माय गॉड क्या बात है, सब कुछ मिल रहा है। एक तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान आपको मिले, दूसरा ही इस पर्सन के पास पैसे धन दौलत भी है। ठीक है, तो जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि तुम प्यार तो करती हो, तुम प्यार तो करते हो, पर तुम्हें फाइनेंशियली स्टेबल होना होगा, ये वाला सवाल आ जाता है, फिर शादी होगी। लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, मतलब उससे भी बहुत ज़्यादा लकी है, जैसे कि आप रिलेशनशिप में आएंगे और ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आएंगे जो कि पहले से ही सेटल हो, जिसके पास ऑलरेडी सोर्स ऑफ इनकम हो, और सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं, बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम इस पर्सन के ऑलरेडी लाइफ में होंगे। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और चांसेस है कि अरेंज मैरिज भी हो सकता है, मतलब 60% चांसेस है अरेंज मैरिज के। ठीक है, और 40% चांसेस है जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनकी तो लव मैरिज होगी ही होगी। और मैं प्रे करती हूँ, ठीक है, मैं प्रेयर कर रही हूँ कि जैसे आप शादी करना चाहते हैं, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, उससे आपकी शादी हो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये पर्सन को बहुत अच्छे से पता होगा कि कैसे मतलब बिजनेस करना है, कैसे, देखिए वेल्थ इस पर्सन के पास बहुत होंगे, मे भी ऐसा हो सकता है विरासत में भी इस पर्सन को बहुत सारे पैसे धन दौलत मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि इनको पैसे का भी नॉलेज है, ऐसे भी बहुत सारा नॉलेज है, और बहुत ज़्यादा लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉट्स ऑफ सोर्स ऑफ इनकम इस पर्सन के पास होंगे। अगर ये पर्सन बिजनेस करते होंगे तो हो सकता है जॉब भी करते हो। ठीक है, मतलब ये कोई रिस्क लेकर चलने वाले इंसान नहीं है, जिसके वजह से इनके पास बहुत सारी आमदनी, बहुत सारे पैसे हैं। ठीक है, गुडनेस, अच्छे कर्म के वजह से इनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इनका कर्म बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और ये इनका हाइट मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा हाइट हो सकता है। देखिए बात यहाँ पे ये है कि पर्सन आपके लाइफ में आपको वैल्यू ऐड करने के लिए आ रहे हैं, बहुत कुछ आपको सिखाएंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये पर्सन कभी हेजिटेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये पर्सन आपको हेल्प करने में, कुछ देने में कभी भी हेजिटेट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे चांसेस ये हैं कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो न्यू बिगनिंग होगा आपके करियर में, फाइनेंस में। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं न्यू जॉब करने वाले हैं तो वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ओके, और देखिए बात यहाँ पे ये है कि एक एक्साइटमेंट भरा वर्क आप शुरू करोगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बोर हो जाते हैं वर्क करते करते, लेकिन आपका वर्क भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा जब ये पर्सन आपके साथ होंगे। ठीक है, ये हमेशा आपके पास होंगे, कॉन्शियस रहेंगे, आप कॉन्शियस रहोगे, इनका ध्यान आपके ऊपर होगा, आपका ध्यान इनके ऊपर होगा, साथ मिलके वर्क वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डोर जो है वो बिल्कुल ओपन हो चुका है, खुल चुका है, और आप अपने लव पार्टनर से मिलने वाले हैं, और वैसे इस पर्सन के पास पैसे धन दौलत भी है। ठीक है, अब यहाँ पे कार्ड है आपके लिए फर्स्ट चक्र, ओ माई गॉड, आर्क एंजल माइकल। आपकी जो पर्सन है ना, एक तो ये हो गया कि प्यार भी कर रहे हैं, दूसरा ये हो गया कि पैसे धन दौलत है, हो सकता है उससे भी सपोर्ट कर रहे हैं, और तीसरा यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज है, इसको सभी लोग क्लेम कीजिए, आर्क एंजल माइकल को थैंक्स बोल के लिख सकते हैं, थैंक यू सो मच आर्क एंजल माइकल। ठीक है, तो ये चीज़ है। बात यहाँ पे ये है कि आपको जहाँ से भी ब्लेसिंग्स मिले उसको कैच कीजिए, ठीक है, ले लीजिए। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि शायद इस पर्सन को थोड़ा बहुत कुछ इश्यू हो सकता है, मे बी फिजिकली हो सकता है, बहुत ज़्यादा थक जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी हेल्थ इश्यू रहेगी जब ये पर्सन आपको मिलेंगे। और जब ये पर्सन के हेल्थ इश्यू जैसे ख़त्म करने के लिए या कोई क्लासेस ज्वाइन कर रहा है, और जब क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो आप, हो सकता है आप भी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, योगा हो गया, जिम हो गया, है ना, कहाँ मिल सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, तो मे भी वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे इनके लाइफ में खुद कितना ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि ये पर्सन जो है हो सकता है बहुत ही ज़्यादा अपने हेल्थ के लिए, अपने वेलबींग के लिए बहुत वर्क करते होंगे, जैसे फिजिकल वर्कआउट वगैरह हो गया, वो बहुत ज़्यादा करते होंगे। ठीक है, ये चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन जो है हो सकता है एक टाइम मतलब बहुत ज़्यादा अडिक्टेड रहे हो, ठीक है, तो
तो अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि अब मुझे ये सब नहीं करना है। बहुत पहले ही इस पर्सन ने, हो सकता है, सब चीज़ छोड़ दिया हो, और ये पर्सन अपने आप को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इनकी सेल्फ रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है, ऐसे ये पर्सन हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है आपके लिए, दैट्स ग्रेट, आप देख सकते हो, ड्यू टू रोमांस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रोमांस के बीच में ना कभी कोई कमी नहीं होने वाली है। देखिए, ये जो कार्ड है आपको ये बता रहा है कि अगर आपके हेल्थ में कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत है, ये पर्सन आप जैसे हो ये पर्सन वैसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देंगे। अगर आपको ये लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है, ये कभी आपको ऐसा फील होने भी नहीं देंगे, ठीक है। कभी आपने फील किया भी तो ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं जो कि आपको हार्ड चैलेंजेस से ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये आपके लिए हज़ारों एक्शन लेंगे, करोड़ों लेना पड़े करोड़ों एक्शन लेंगे, लेकिन ये चाहेंगे कि आप इन पे भरोसा रखो और ये भी आप पे भरोसा रख पाए, वैसा आप बन के रहो, ठीक है। तो पावर एंड सिक्योरिटी आप दोनों के रिश्ते में है। सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं है बल्कि पावर एंड सिक्योरिटी भी है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो भी रिमूव होने वाले हैं, क्योंकि आपको इतना प्यार मिलेगा, इतना पैम्पर ये पर्सन आपको करने वाले हैं कि सारे दुख दर्द ये हर लेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। रोमांस की एनर्जी यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन है वो स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के सामने कुछ भी रोमांस कर लिया, आपका हाथ पकड़ लिया, किस कर लिया, नहीं। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत प्राइवेटली, बहुत अच्छे तरीके से शो करने वाले हैं। इनकी बहुत सारी लव लैंग्वेज भी हो सकती है, मैं आपको बता दूंगी कि ये आपके लिए करेंगे क्या क्या, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये है, शायद कोई लव इंटरेस्ट है, शायद कोई क्रश है जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। उस पर्सन से शादी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि शायद आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, कोई आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, उस रिश्ते को आप निखारना चाहते हैं, इन्हांस करना चाहते हैं, ठीक है। उस रिश्ते में एक न्यू लव क्रिएट करना चाहते हैं, और वही चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है कि यस, आपका कोई करंट रिलेशन है जो कि ख़राब हो चुका है, वो ठीक होने वाला है, वो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट होगा, ठीक है। ब्लॉसमिंग रोमांस होगा और आपकी शादी उसी पर्सन से होगी। ऐसा हो सकता है हाल फिलहाल में अभी आपका झगड़ा हुआ है तो सब कुछ ठीक होने वाला है। एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है उनके लिए भी जो रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो आप, अगर आपके कोई क्रश है, कोई करंट पार्टनर है, तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपका सर लग रहा है कि नहीं, वो मुझे नहीं पसंद करते, तो वो करते हैं, आप ये जान लीजिए। एज की अगर बात की जाए, 44, 31, 33, 35, इस तरह का एज इस पर्सन का होगा। रेड तो एकदम फेवरेट कलर होगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपको अपने फैमिली मेम्बर से ज़रूर मिलाएंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लेकर प्राउड फील करेंगे, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से ये ज़रूर मिलाने वाले हैं। और जो इंसान अपने फैमिली और फ्रेंड्स से मिलाता है, ठीक है, वो आपको लेकर सच में सीरियस होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर है कि यस, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इस कदर पसंद करते हैं कि वो रोक नहीं पाएंगे अपने आप को आपके फैमिली और फ्रेंड्स से, और मिलने में भी और मिलाने में भी, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट 7 डेज़ के अंदर ही ये अपने किसी दोस्तों से आपको मिला दे, ठीक है, और अपनी बहन से, अपनी सिस्टर से, अपने भाई बहन, ठीक है, मिलाएंगे पहले, उसके बाद पेरेंट्स तक पहुँचेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड पर्सन होंगे। इनके फैमिली में भी हो सकता है सब लोग बहुत ओपन माइंडेड होंगे, जिसके वजह से बहुत अच्छे तरीके से आपका वेलकम, आपका स्वागत किया जाएगा। और शादी भी ऐसा लग रहा है कि अगर आप लव मैरिज भी करेंगे ना, तो भी आपकी शादी काफ़ी धूमधाम से होते हुए दिखाई दे रही है, देख सकते हो। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये वो इंसान है जो कि आपके सारे पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपको हील करेंगे। आपके लाइफ में ये वही इंसान है जो कि हमेशा हैप्पीनेस बना के रखेंगे, ठीक है। कोई दूसरा इंसान नहीं है, यही इंसान है जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुश रखने वाले हैं। आपके मन में कोई पर्सन चल रहे हैं तो वो हो सकते हैं। वैसे क्लैरिफाई करने के लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, ठीक है, कि उस पर्सन से शादी होगी या नहीं होगी और कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो जीमेल अनन्स आईडी के थ्रू, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल है, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप कांटेक्ट कैसे करेंगे, तो इंस्टा आईडी के थ्रू कर सकते हैं, जेन्युइन लिंक दिया गया है, ठीक है, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट इम्प्रेशन, जब ये पर्सन आपको फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो आप दोनों के बीच में कैसा कनेक्शन फील होगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पर्सन है आपके बारे में क्या फील करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, टू कार्ड से चलिए। फर्स्ट, अब देखते हैं कि आप इस पर्सन के लिए क्या फील करोगे, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये जो पर्सन आपके लिए फील, ओ माय गॉड,
आप तो इस पर्सन को इम्प्रेस कर जाओगे, आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल लगने वाले हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लगने वाले हो, यस आप देख सकते हैं, ठीक है, आप एनिमल लवर लग सकते हो, आप नेचर लवर लग सकते हो, ठीक है, हो सकता है ये आपके सामने बोलेंगे कि कहाँ चले हम घूमने, तो आप नेचर का ही बात करोगे, तो ये भी खुश हो जाएंगे, अरे मैं भी तो नेचर लवर हूँ, ठीक है, मुझे भी नेचर में रहना पसंद है, ठीक है, चार दीवारी में रहने से अच्छा है कि नेचर में रहे, तो वो चीज़ है। तो आपका सोच, आपका जो पर्सपेक्टिव है, इनको बहुत पसंद आने वाला है फर्स्ट टाइम जब भी आप मिलोगे, चाहे आप रिलेशनशिप में आके ही शादी करो, ठीक है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये बहुत इंप्रेस होने वाले हैं आपके नॉलेज को लेकर, आपके विजडम को लेकर। उसके बाद यहाँ पे है टेम्पटेशन मूविंग ऑन, और राइट उसके बाद है पार्टनरशिप एंड अलायंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क प्लेस पर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है, और जिस तरीके से आपका काम करने का तरीका होगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग मैनर में, किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत चुटकियों भर में सॉल्व कर देना, ठीक है, जैसे चुटकी बजाया प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ठीक है, वैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते होंगे, तो ये सब इनको बहुत पसंद होगा। मतलब आप जो है कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले, ठीक है, किसी भी मैन से कंधे मिलाकर चलने वाले इंसान हो, वो क्वालिटीज़, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नोटिस करेंगे और बहुत ज़्यादा आपसे इम्प्रेस होंगे। इनको ऐसा लगेगा कि आप एक मैन से, ठीक है, एक मैन से, एक लड़के से भी कम नहीं हो, ठीक है, उससे भी आप बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रांग है, ठीक है, आप कुछ भी अपने लाइफ में कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके अंदर थोड़ी सी दुखी भावना भी नोटिस कर सकते हैं, इनको आपकी कुछ बातों से ऐसा लगेगा कि आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, दुखी हैं, ठीक है, ऐसा इनको लगेगा कि आपके साथ किसी ने धोखा किया है, ठीक है, इनको ऐसा लगेगा कि आपके मन में कभी लालच नहीं रहा, लेकिन आपसे बहुत सारे लोग लालच के लिए आए आपकी लाइफ में, आपको यूज़ किए हैं, कुछ ऐसी बातें इनको आपके फेस से या आपकी बातों से फील हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये पर्सन आपको फर्स्ट कैसे लगेंगे। ये पर्सन आपको काफ़ी समझदार, काफ़ी शांत और काफ़ी इंट्यूटिव लगेंगे। ये पर्सन आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान लगेंगे, ठीक है, और ये पर्सन आपको, आपको भी ऐसा लगेगा कि इस पर्सन के लाइफ में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, काफ़ी सारे झगड़े हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बैठे रहोगे, कॉल पे ये बातें कर रहे होंगे और आपको पता चल रहा होगा, मतलब कॉल अचानक से आ जाएगा, ये कॉल पे बात करते रहेंगे, ठीक है, आपसे थोड़ा समय लेके, तो आपको पता चलेगा कि इनके बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं, या दुश्मन नहीं है तो इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, ये उस टाइम का होगा। 222 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर 222 लिख के क्लेम कीजिए। दूसरा, यहाँ पे आपको ये फील हो जाएगा कि ये बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से, सैक्रिफाइस से, टेंशन तनाव से गुजरे हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपके ये जो पर्सन है, ये किसी भी चीज़ को बहुत प्रॉपर वे में, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, या किसी भी चीज़ को बहुत वाइसली चूज़ करते हैं, सॉरी कभी कभी टंग स्लिप करते हैं। अब और देखते हैं कि और क्या सोचोगे अपने पर्सन के बारे में आप, ठीक है। आपको थोड़ा सा डर भी लगेगा कि पता नहीं ये मुझे चूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये आपके मन में कन्फ्यूजन रहेगा। वेल, 7 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 222 लिख के क्लेम कीजिए, 777 लिख के क्लेम कीजिए, एक नई शुरुआत होने वाली है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, बहुत सारा खुशियाँ, बहुत सारी जीत लेके, बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेकर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। अगर इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया तो ये पर्सन कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, ठीक है। और ये पर्सन आपको भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल इंसान लगेंगे, ठीक है, स्कॉलर इंसान लगेंगे, और उसके साथ साथ आपको ऐसा लगेगा कि ये सेक्रीफाइस करके और भी स्ट्रांग हो गए, स्ट्रांगेस्ट पर्सन लगेंगे आपको ये, ठीक है। आपको ये एक योद्धा जैसा फियरलेस पर्सन लगने वाले हैं। एक कार्ड और, वाओ, देखिए दोनों के लिए एक ज़बरदस्त मैसेज है, वो है लव बिगिंस। दोनों की तरफ से इक्वालिटी होगी, दोनों की तरफ से प्यार फील होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ऐसा हो सकता है कि पहले आप रिलेशनशिप में ही आओ, लेकिन आपको भी फील हो जाएगा कि ये मुझे पसंद करते हैं और इनको भी फील होगा कि आप इनको पसंद करते हो, तो दोनों ही तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा इक्वालिटी दिखाई दे रहा है, दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा है, और दोनों ही सच में अगर 100% है तो 50% आप दे रहे हो, 50% ये दे रहे हैं, और देखिए कितना स्मूथ आप दोनों का ये मैरिड लाइफ रिलेशनशिप चलने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो इन लॉज हैं वो कैसे हो सकते हैं, ठीक है, इन लॉज कैसे हो सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। पॉजिटिव रहिए, जल्दी से क्लेम कर लीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली फ्रेंड्स बन जाइए। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे विजडम। देखिए, आप जैसे नॉलेजेबल हो, आप जैसे टैलेंटेड हो, वैसे ही आपके इन लॉज भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और टैलेंटेड होंगे, ठीक है। और क्लैरिफाई करते हैं, ओह काफ़ी डिप्लोमेटिक, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है उस फैमिली से होंगे जिसका बहुत ज़्यादा नेम फेम रुतबा हो सकता है, और जितने ज़्यादा रुतबे वाले होंगे आपके इन लॉज, जितना डिप्लोमेटिक एनर्जी होगी इन लोगों की, उतने ही ज़्यादा जेंटलनेस इस सारे लोगों के अंदर होगा,
बहुत ही जेंटल, बहुत ही ज़्यादा काइंड होंगे, ठीक है। अगर आप जाओगे इनके बीच में, आपको लगेगा बहुत हाई फाई है, लेकिन कुछ नहीं होगा, ये उतना ही सॉफ्टली, उतने ही प्यार से, उतना ही डाउन टू अर्थ रह के बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो फीमेल है, यहाँ पे कोई फीमेल होगी जो कि पूरे घर को संभालती होंगी, ठीक है, और ये आपको बहुत सपोर्ट कर सकती हैं, इन्हीं से फर्स्ट टाइम में बातें होंगी आपकी, ठीक है। अब देखते हैं और, ओके, सो यहाँ पे कोई ऐसा गॉबलिन जैसा पर्सन भी होगा जो काफ़ी इगोइस्टिक हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो बहुत चोट खाया हुआ हो और बहुत इगोइस्टिक हो गया हो, जिसके ईगो जो है, ईगो पे चोट पहुंची हो, तो उस बीच में कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है इन लॉस में, जो कि आप कुछ ऐसा बोल दोगे जिससे उसका ईगो हर्ट हो जाए, और फर्स्ट टाइम से ही वो आपका, मतलब लाइक वैसा हो सकता है आपसे चिढ़ने लगे, खराब फील करने लगे। वैसे फोकस की एनर्जी है, यहाँ के लोग जो है अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है, इनके फैमिली का कोई रिलेटिव हो सकता है, ठीक है, जो कि आपको उतना पसंद ना करे। परसेप्शन हो सकता है कि आपसे इन लोगों का परसेप्शन काफ़ी डिफरेंट हो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इन लोगों को ऐसा लगेगा आपके बारे में लाइक आप बहुत इनोसेंट हैं, ठीक है, और इनोसेंट के साथ साथ इनको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, क्योंकि अभी आप इनके लाइफ में, फैमिली में एक न्यू पर्सन हो। उसके साथ साथ ट्रूथ की एनर्जी है, ये लोग कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। जैसे फैमिली में सब कुछ एक एक मेंबर को बताया जाता है, वैसे ही ये सब कुछ आपके साथ भी डिस्कस किया करेंगे। ये जो इन लॉज होंगे वो लोग आपको अपना फैमिली मेंबर ही मानेंगे, लेकिन यहाँ पे एक कोई ऐसा इंसान है जो कि गॉबलिन की एनर्जी वाला है, और ये इंसान कोई बाहर का हो सकता है, इनकी फैमिली का भी नहीं होगा, कोई बाहर से आया हुआ इंसान हो सकता है, ठीक है, जो कि आपसे जेलस फील करे, जो कि आपको पसंद ना करे, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो कास्ट वगैरह का, ठीक है, तो भी हो सकता है कि पसंद ना करे। देखते हैं कि आपके पर्सन का लव लैंग्वेज क्या है। ओके, पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, लाइक कर दीजिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, आपके जो पर्सन है ये काफ़ी एडवेंचरस है, और इनको रॉक क्लाइंबिंग बहुत पसंद है, फन एक्टिविटी करना बहुत पसंद है, ठीक है, ये फन एक्टिविटी आपके साथ करेंगे। ऑलवेज अवॉइड हार्मफुल एंड हार्मफुल वर्ड एंड टोन, आपके ये जो पर्सन है ये आपके साथ कभी रूडली बात नहीं करने वाले, ये पर्सन आपके साथ हमेशा बहुत प्यार से, बहुत प्योर तरीके से बातें करेंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या है देख लेते हैं। ओके, सो आपके जो पर्सन है वो आपके लिए एक हमेशा ही, मतलब एक क्या, हमेशा ही ये पर्सन आपके लिए सरप्राइज डेट करते रहेंगे, ठीक है, और आपके फेवरेट प्लेस पे किया करेंगे, फेवरेट रेस्टोरेंट हो गया, ये सब, ठीक है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है एनर्जी। उसके बाद लव लैंग्वेज कैसी होगी मैरिड लाइफ में, तो देखिए ये पर्सन पहली बात तो आपको हमेशा प्यार किया करेंगे, हमेशा हग किया करेंगे, किस किया करेंगे, हाई फाइव दिया करेंगे, ये आपको हमेशा कडल किया करेंगे, ठीक है, कडलिंग वगैरह इनका लव लैंग्वेज है। उसके बाद यहाँ पे लव लैंग्वेज की बात की जाए तो आपके पार्टनर वो हमेशा आपको बताया करेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो हमेशा आपको टाइम देंगे, ठीक है, और यहाँ पे कह सकते हैं कि अपना अफेक्शन, ठीक है, हमेशा शो करेंगे, और इनका पूरा का पूरा अटेंशन आपके ऊपर होगा, ये कभी किसी और के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आपके साथ होंगे, आपके साथ बैठे हैं, इनका पूरा का पूरा ध्यान जो है आपके ऊपर होगा, चाहे इनके अगल बगल से कितने भी खूबसूरत लोग क्यों ना गुजरे, इनका पूरा का पूरा ध्यान आपके ही ऊपर होगा, ठीक है। तो ये आपके अंदर एक कमी नहीं रह जाएगी, मतलब एक होता है ना कि मुझे मेरे पार्टनर मेरा ध्यान नहीं देते, प्यार नहीं करते, तो वो चीज़ नहीं होगा, मतलब आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे कि नहीं, मेरे पार्टनर तो मुझे पूरा समय देते हैं, उनका पूरा का पूरा अटेंशन मेरे ऊपर होता है, और बहुत ज़्यादा प्यार अफेक्शन शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है नेम इनिशियल क्या है इस पर्सन का, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एस, आपके पर्सन का नेम इनिशियल एस हो सकता है, डी हो सकता है, ओके, देन इस पर्सन का नेम इनिशियल एफ होगा, एच भी हो सकता है, देन यहाँ पे है सी, ठीक है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बी, के, देन यहाँ पे है वाई, देन यहाँ पे आपका है जे, एंड टू लास्ट और देखेंगे वो है आपका आई एंड आर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन हैं वो कौन से स्टेट के हो सकते हैं, ठीक है, ये स्टेट आपका भी हो सकता है, तो ध्यान में ज़रूर रखिएगा, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन से स्टेट के हैं इनके पर्सन। सबसे पहले गुजरात, ठीक है, और देखते हैं राजस्थान, हरियाणा, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा,
कुछ और लास्ट देख लेते हैं, वो है आपका पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, गोवा एंड लास्ट वन इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स हैं। कर्नाटका के भी हो सकते हैं ये पर्सन, आप खुद भी हो सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन ये आपके लाइफ में कब तक आएंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कब तक आएंगे। सबसे पहले ये आपके लाइफ में आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है जनवरी फरवरी में मिले हो उस पर्सन से। ठीक है, तो हो सकता है वो पर्सन है आपके। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि रेनी सीजन में मिलेंगे, काफ़ी रोमांटिक टाइम में मिलेंगे। ओके, क्लेम कीजिए इस चीज़ को, 11-11 टाइप करके। देखिए, विंटर सीजन में मिलेंगे आपके पर्सन आपको, या फिर अगर मिल चुके हो ना तो आपकी शादी विंटर सीजन में हो जाएगी। ठीक है, मैं प्रे कर रही हूँ आप सभी लोगों के लिए। सितंबर के मंथ में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। देन यहाँ पे आपका है प्लीज गॉड ऑटम, प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए एकदम एक्यूरेट मैसेज दीजिए। जुलाई अगस्त, ठीक है, स्प्रिंग सीजन। एंड एक लास्ट और देखेंगे, वो है आपका सितंबर अक्टूबर ऑटम सीजन। ठीक है, तो ये सारे टाइमिंग है जब आपके पर्सन आपके लाइफ में होंगे, और जून के टाइम में भी ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। पॉजिटिव रन आप सभी लोगों को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, यहाँ पे आपके पर्सन कहना चाहते हैं आई डोंट नो हाउ यू फील। ठीक है, आपके पर्सन जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी क्रश है, और ये पर्सन को भी नहीं पता है कि आप कैसा फील करते हो, लेकिन ये जानते हैं कि आप इनको पसंद करते हैं। ठीक है, और आप इनके दिल में पूरी तरह बस जाओगे, ऐसा होगा। ठीक है, और क्या है, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, इनको आपकी हर एक चीज़ पसंद आएगी, आपकी कमी भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा भा जाएगी। उसके बाद है यू डोंट रियलाइज। ओके, यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है कि कभी कभी आप इनको हर्ट करोगे, तो ये कहना चाहेंगे कि कभी कभी मेरी फीलिंग को समझ लेना, क्योंकि किस तरीके से तुम मुझे हर्ट करती हो या करते हो वो तुम्हें फील नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ये कहना चाहते हैं आपको आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीट। ओके, कभी भी ये पर्सन आपके साथ कुछ गलत व्यवहार करेंगे तो ये आपको मतलब बताएंगे कि मैंने बहुत गलत व्यवहार किया, हाथ जोड़कर आपके सामने माफ़ी मांगा करेंगे। ठीक है, अगर आप इनसे दूर रहोगे हर पल ये आपके लिए रोया करेंगे, ऐसा इस पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, तो कभी भी ये कोई गलती करेंगे तो इनको फील होगा, है ना, इनको फील होगा। और ये फीलिंग मैंने पहले ही बताया कि ये जो पर्सन है सोलफुल पर्सन है। एंड एक लास्ट है, वो है आई जेन्युइनली लव यू, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे जेन्युइनली लव करेंगे, कोई दिखावा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी मत सोचेगा कि कोई प्रॉब्लम आएंगे, आप लोग अलग हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको कहाँ मिल सकते हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, मॉस्क्यू, जू में मिल सकते हैं आपके पर्सन, डिपार्टमेंट स्टोर में भी, अपार्टमेंट में भी मिल सकते हैं, बेकरी, वाटर पार्क, स्टोर, रेस्टोरेंट, अब्रॉड, सिनेमा, बस स्टॉप, पार्क, स्पोर्ट्स शॉप, बुक स्टोर, ऑर्फनेज होम, पार्टी। एंड एक लास्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ लास्ट है, मॉल है, मोबाइल स्टोर है, मैरिज सेरेमनी है, वर्क प्लेस है। ठीक है, तो बिल्कुल अवेयर रहना है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है। प्रोफेशन देख लेते हैं। सबसे पहले है कोरियोग्राफर, लॉयर, व्लॉगर, ब्यूटिशियन, हेयर ड्रेसर, क्राफ्ट आर्टिस्ट, डॉक्टर। देन आपके पर्सन एक प्रोफेसर हो सकते हैं। एंड लास्ट वन इज एयर होस्टेस। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। देखिए, लुक्स वाइज आपके पर्सन बहुत सुंदर होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत हैंडसम होंगे, और जिम जाने वाले होंगे तो खैर बहुत ही अच्छे होंगे। तुसे नैना लागे अनवर मूवी का सॉन्ग, इतनी सी बात है अरिजीत सिंह का सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं आपको, जाने कैसे रकीब मूवी का सॉन्ग है। एंड देन यहाँ पे आपको डेडिकेट करना चाहते हैं सेन्योरिटा कैमिला का सॉन्ग है। एंड लास्ट वन इज दिस वन, चांदनी रात अली सेठी का सॉन्ग है। तो आपके ये जो पर्सन है ये सारे सॉन्ग्स आपको अभी के अभी आपके फ्यूचर स्पाउस डेडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो किया है।
और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, ठीक है? तो आप उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे, बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, अवेयर रहिएगा। और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी रीडिंग ले सकते हो, ये सोच मत रखिएगा कि मैं नहीं ले पाऊंगी, आप आराम से ले सकते हो। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल टू, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल कार्ड को, एक्सेप्टेंस कार्ड। सो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी, उनका नेचर, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है? आपको क्या करना है, जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाना है ताकि आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट एंड परफेक्ट मैसेज आए। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। कैसे हैं इनके पर्सन, कैसी है इनकी पर्सनालिटी, कैसा है इनका नेचर, दुनिया के किसी भी कोने में है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या जो कुछ भी है, ठीक है? ऑलराइट, कैसे कांटेक्ट करेंगे, जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक, बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, प्लीज़ आप सभी लोग उससे अवेयर रहिए, ठीक है? यहाँ पे एक कार्ड और लेंगे, वो है आपका दिस वन। ओके, सो यहाँ पे मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स लिए हैं, मैं सब कुछ क्लैरिफाई करके आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये ऐसे पर्सन हैं, मतलब ये जहाँ पे भी जाएं, ठीक है, इनका नेचर कुछ इस तरह है कि लोग इनको पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? कुछ होता ना कि पीछे बुराइयाँ करना, कुछ ना कुछ कमी निकालते रहना, तो वो इनके बारे में तो कभी नहीं होता, क्योंकि ये परफेक्ट इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो डेफिनेटली परफेक्ट सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए होंगे, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। अगर लुक्स की बात की जाए तो लुक्स इस तरह का हो सकता है जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखना, फॉरेनर भी हो सकते हैं। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही कि आईज़ की कलर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी, एंजेलिक लुक होगा इस पर्सन का, ठीक है? तो बात यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन है ये अपने लाइफ में कोई कमी नहीं, कोई कसर नहीं छोड़े हैं, बहुत हार्डवर्क करने वाले इंसान हो सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे कार्ड है कि शायद जब भी आप फर्स्ट टाइम इस पर्सन से मिलोगे तो आपको क्या फील होगा या क्या नोटिस करोगे, तो ये काफ़ी सेंसिटिव इंसान होंगे, ये चीज़ आप जान लीजिए। आपके पर्सन ये बहुत सेंसिटिव होंगे, ये किसी के साथ भी बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाने वाले पर्सन होंगे, इनर इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाने वाले पर्सन होंगे, ठीक है? और जैसे कि अगर कोई बुरा इंसान मिल गया तो इनको अपने उंगलियों पर नचा सकता है, वैसा भी है, लेकिन ये कभी भी किसी बुरे इंसान से अभी तक नहीं मिले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब ही आपसे शादी करेंगे, जब ही आपको पसंद करेंगे, आपसे पूरी की पूरी तरह एक एक चीज़ के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो आप कभी भी जो है इस पसंद का गलत फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि आप इनका केयर कीजिएगा, इनका ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये आपकी भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। आप कुछ ऐसा बोल दोगे, कुछ ऐसा करोगे, उसके ऊपर भी ये कुछ रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है? और अच्छा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। अगर आप इनको हर्ट करोगे, ठीक है, किसी बात से भी, छोटे बात से भी इनको तकलीफ़ हो सकता है। अगर इनका कोई और मजाक उड़ा दे इनको चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप मजाक उड़ाओगे तो इनको बहुत तकलीफ़ होगी, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो पर्सन है ये एक सेंसिटिव सोल है, ठीक है? ये क्या है, एक सेंसिटिव सोल है जो कि गुस्सा भी हो सकता है, बहुत जल्दी हो जाते हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े लाउड हो, क्योटिक हो, ठीक है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ये पर्सन आपके साथ कैसा फील करेंगे, आप इनके साथ कैसा फील करोगे, तो सबसे पहले ये आपके लिए कुछ भी कर देंगे, मतलब अपने पर्सनल स्पेस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, सेफ बनाने के लिए, कंफर्टेबल प्लेस बनाकर रखेंगे, उसको बनाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो बात यहाँ पे ये है कि जब आप इनके साथ होंगे, इनका जो पर्सनल वर्ल्ड होगा आपके साथ वो बहुत सेफ एंड कम्फर्टेबल होगा। उसके साथ साथ ये एक ऐसा माहौल क्रिएट करने वाले इंसान है जो कि पीस भरा हो, एटमोसफियर, जब आप इस पर्सन के साथ बैठे रहोगे, ठीक है, अगर आप कहीं ऐसे हल्ले गुल्ले शोरगुल जगह पे बैठे हो तो भी आपको बहुत शांति से फील होगा, ठीक है? ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अगर आप रेस्टोरेंट में भी बैठे हो उस पर्सन के साथ तो भी आपका पूरा का पूरा ध्यान इनके ऊपर होगा, इनका पूरा का पूरा ध्यान आपके ऊपर होगा। तो ये कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे, और ये क्रिएट करेंगे भी नहीं, इनकी ऑरा, इनका वाइब ही ऐसा है जो कि वहाँ के माहौल को ऐसा हील कर देगी, ठीक है? तो बात यहाँ पे ये है कि आपके ये जो पर्सन है ये मुझे बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आपके हर एक फीलिंग के साथ ये पर्सन कनेक्टेड है। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन होता है यूनिवर्स से कि मेरे पर्सन मेरी फीलिंग ही नहीं समझ रहे, ठीक है? लेकिन अब जिससे आपकी शादी होगी ना वो आपकी हर एक फीलिंग के साथ जुड़ जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है, और जो भी आपने सपना देखा है वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा, ये चीज़ आप जान लीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले बात यह है
ये आपके ये जो पर्सन है, अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स है तो उसको पॉजिटिव वन से इमिडिएटली रिमूव कर देंगे जब ये पर्सन आपके लाइफ में होंगे। इनको म्यूज़िक सुनना भी बहुत पसंद होगा। ये शांत रहने वाले इंसान हैं और बहुत सारे लोगों के साथ जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि धोखा हुआ है, हो सकता है मे बी, तो ये संभल गए हैं, समझ गए हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं अपने आप को तो चेंज नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने आप को तो नहीं बदल पाऊँगी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना है कि बुरे लोग मुझसे दूर रहें। ठीक है, तो ये जल्दी किसी के साथ घुलते मिलते नहीं है। ठीक है, अपने आप को हमेशा बिजी रखने वाले रहते होंगे, ये पर्सन बिजी रहते होंगे, काम करते होंगे, फिर रेस्ट करते होंगे और हंसते बहुत होंगे। ठीक है, और ये कभी भी किसी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करते होंगे। ठीक है, अगर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर देते होंगे, लेकिन कोई इनके सामने से आए तब ये जल्दी किसी के लाइफ में नहीं जाते होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये वो इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करते होंगे और माइंडफुलनेस जिसे कह सकते हैं, मेडिटेशन, वो सब प्रैक्टिस करते होंगे। और साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के अंदर माफ़ करने की क्षमता भी बहुत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे कॉस्मिकली ये पर्सन आपसे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं ये पर्सन। अब देखिए कैसे मिल सकते हो, तो हो सकता है फॉर्चुनेटली आप किसी सोशल ओकेज़न में गए हैं, किसी इवेंट में गए हैं, ठीक है, वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल रहे हैं। लकी बहुत ज़्यादा है ये पर्सन आपके लिए, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि इमोशनल है तो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, मेंटली स्ट्रांग होंगे, ये किसी चीज़ से डरते नहीं होंगे, ना ही अकेले रहने से डरते होंगे। अभी ये बहुत लंबे समय से, 11 साल से मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से अलोन टाइम बिताते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि मैं पास्ट के बारे में सोचता नहीं और ना ही पास्ट के बारे में ड्वेल करता हूँ। ठीक है, मैं अकेले रहने से भी नहीं डरता, ना डरती हूँ, लेकिन जब आप इनके लाइफ में आओगे तो ये रहना चाहेंगे आपके साथ, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि इनको पता है ये मेरी अभी एक ज़िंदगी चल रही है। ठीक है, अब मेरे लाइफ में कोई आएगी जिससे मेरी शादी होगी तो वो एक अलग ही ज़िंदगी होगी, ये चीज़ इनको कॉन्फिडेंटली पता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्सन से आप किसी बहुत बड़े सेमिनार में, किसी बहुत बड़े पार्टी में लकली मिल लोगे। ठीक है, या फिर फ्रेंड्स ग्रुप सर्कल में भी मिल सकते हो। और याद रखिएगा कि इस पर्सन के साथ आपका एक कॉस्मिक कनेक्शन है, कॉस्मिकली आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहोगे। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप दोनों के बीच में कभी भी कुछ मनमुटाव, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो नहीं जाने वाली। ठीक है, वो उधर से बोलेंगे मैं तो नहीं जाने वाला। ठीक है, हो सकता है पहले रिलेशनशिप में आ जाओ, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, तो अब कौन मनाएगा, ना आप मना रहे हो ना वो मना रहे हैं। तो आप कनेक्टेड रहोगे मून से, आप कनेक्टेड रहोगे स्टार्स से, आप कनेक्टेड रहोगे सन से, आप कनेक्टेड रहोगे बहुत सारे गैलेक्सीज से। ठीक है, इस यूनिवर्स में तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपको इनको मनाना होगा या फिर इनको कभी भी अपने तरफ अट्रैक्ट करना होगा तो आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे, कॉस्मिकली, मतलब कि भगवान से प्रेयर करके, प्रार्थना करके। आपको क्या करना है, कभी भी आप दोनों के बीच में कुछ भी हो या फिर करंट अभी भी आप इस पर्सन के साथ है और आपका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, वो भी आपको ब्लॉक किया, आपने भी कर रखा है, आप दोनों जो है कभी भी एक दूसरे के पास आ नहीं रहे हैं, तो इसका एक ही उपाय है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप जो है प्रेयर कर लीजिए, उनका कॉल मैसेजेस आएगा या फिर आपका ही दिल करेगा कि आप ही फर्स्ट स्टेप ले लो ब्रेवली। ठीक है, तो ऐसा कुछ ज़रूर होगा। तो ये मैंने एक रेमेडी की तरह आपको बता दिया है जो कि आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है, देखिए ये पर्सन एक फैमिली वाले इंसान है, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। इनको अपने लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, सक्सेस तो मिल ही चुका है। ये चाहते होंगे कि एक मुझे अच्छी सी वाइफ मिल जाए, एक अच्छा सा हस्बैंड मिल जाए, ठीक है, जो कि मेरे घर को संभाल लें, मेरे हाउस को, मेरे बिल्डिंग को घर में कन्वर्ट कर दें, डेकोरेट करें, प्यार करें, और हमारे बीच में जो बेबी हो उसका हम दोनों मिलकर ख्याल रखें, क्योंकि जो है बेबी की जो आत्मा होती है वो प्योर होती है, वो डेवलप होती है और संस्कार मिलता है पेरेंट्स से। तो यहाँ पे ये पर्सन बहुत फैमिली ओरिएंटेड होंगे जो कि आपका भी ख्याल रखेंगे और बच्चों का भी बहुत ख्याल रखेंगे। कभी प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी आएगी तो वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपकी सारे ज़रूरत का ख्याल रखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे आपको रहना चाहिए अभी के टाइम में, ये सब यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव इंसान हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव। जैसे कि बात करने का तरीका काफ़ी अलग होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, कभी आपसे ये बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी इनको लोग देखते हैं, लोग इम्प्रेस हो ही जाते हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट देखकर तो इम्प्रेस होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में जान लें, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ऐसी इसकी स्ट्रेंथ को देखकर लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। ठीक है,
इनके फिज़िक को देखकर लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है, ये जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखते हैं उसको देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, इनके अंदर बहुत क्वालिटी है। वाओ, सैजिटेरियस इस पर्सन का जोडियक साइन है। आपके पर्सन ने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं, इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये जो पर्सन है अपने बॉडी का भी केयर करते हैं, ये पर्सन एक मेंटोर हो सकते हैं जिसके अंदर सुपीरियर कॉन्फिडेंस हो, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ठीक है, पब्लिक स्पीकर, मतलब पब्लिक में बोलना इनको बहुत अच्छे से आता होगा, काफ़ी खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, फेथ होगा, गुड फॉर्च्यून, किस्मत इनकी बहुत अच्छी होगी, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बुरे से बुरे सिचुएशन से ही बचते होंगे, इसलिए मुझे यहाँ पे इनका किस्मत बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ कम मेहनत में ही इनको बहुत कुछ अचीवमेंट मिलता है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके जो पर्सन है इनके पास पावर अथॉरिटी भी है, लोगों को इन्होंने अगर एक बार बोल दिया तो लोग बात मान लेंगे, इनके काम को कर देंगे, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे सैजिटेरियस इस पर्सन का हो सकता है जोडिक साइन, ठीक है। उसके बाद है एरीज। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत डायनामिक है, ये पर्सन इम्पल्सिव भी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये गुस्से में भी ये कुछ एक्शन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है इस पर्सन की एनर्जी पाइसिस। ऑलराइट, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि रिस्क लेते होंगे, टेक सम रिस्क, ठीक है, जिसे कहा जाता है ना कि कभी कभी रिस्क ले लेना चाहिए, तो वो रिस्क लेते होंगे ये पर्सन, ठीक है। और ये अपने वीकनेस से बहुत कुछ सीख के ग्रो कर चुके हैं। आप दोनों के बीच में अगर रिश्ते की बात की जाए तो ये इनलेसली आपसे प्यार करने वाला है, ये बात का ध्यान रखिएगा, ये कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये पर्सन आपको हमेशा माफ़ किया करेंगे। और ये पर्सन जो है थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, थेके? क्योंकि दिल के सॉफ्ट हार्टेड है, थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं फर्स्ट टाइम, या कंफ्यूज रहते हो। वेल, यहाँ पे ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम लवर हो गए, ठीक है, ये पर्सन आपको भी कभी बांध के रखने वाले नहीं है। बहुत रिबेलियस इस पर्सन की एनर्जी और बहुत आइडियलिस्टिक पर्सन है। इस पर्सन से आपको एक आइडियल एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मिलेगा, और जब शादी होगी, फेयरी टेल एंडिंग होगी, तो एक आइडियल मैरिड लाइफ मिलेगा। ये पर्सन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के होंगे ही होंगे, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, कुछ ना कुछ है, लेकिन होंगे ज़रूर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं कि कैसे होंगे ये पर्सन, और उसके साथ साथ आप दोनों का मैरिड लाइफ कैसा होगा, ठीक है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे दिस वन, ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एंड एक और है, वो है आपका, ओके, दिस वन, फोर्थ। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि एक न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, देख सकते हो कार्ड। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में कैसा रिश्ता होगा, मैरिड लाइफ, अ लविंग रिलेशनशिप जिसमें कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं फील होगी और इनको भी नहीं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करोगे और आप जैसे हो वैसे इस पर्सन के साथ रह पाओगे, ठीक है। कोई दिखावा नहीं करना पड़ेगा कि मैं ऐसे हूँ, ऐसे खा रही हूँ, ऐसे बैठी हूँ, वो सब नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे ज़रूर लिखिए माय हार्ट इज़ ओपन, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के ब्यूटीफुल पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना तो ज़रूर लिखिए। तो देखिए, बात यहाँ पे ये है कि आप दोनों के बीच में सबसे पहली बात एक लविंग रिलेशनशिप हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लव मैरिज नहीं होगी, लव मैरिज डेफिनेटली होगी, लेकिन पहले इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आप आओगे, उसके बाद ही लव मैरिज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, आपके दोस्तों के बीच में हो सकते हैं, और आपको थोड़ा सा ओपन अप होना होगा। अगर पास्ट की कुछ चीज़ें हैं तो उसको भूल जाइए, उसको ख़त्म कीजिए और इनको इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए, क्योंकि आप भी जब इस पर्सन को पसंद कर रहे हैं ना तो पूरे दिल से पसंद कीजिए, क्योंकि ये भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसा कोई इंसान हो सकता है आपके लाइफ में। वेल, फ्यूचर की अगर बात की जाए तो ये पर्सन के साथ रहोगे, आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे, आप लोग साथ मिलकर कहीं घूमने फिरने जा सकते हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि हज़ारों लोगों के बीच में रहेंगे, ये आपके साथ भी होंगे, लेकिन ये अपने दोस्तों से भी ज़्यादा, अपने फैमिली जो भी हैं उन सभी से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड हमेशा किया करेंगे। आपका ये कोई कंप्लेन नहीं रहेगा कि मेरे पर्सन तो मुझे टाइम ही नहीं देते, ऐसा कोई कंप्लेन जो है नहीं रहने वाला, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन दिल के बहुत ओपन हार्टेड इंसान है, लेकिन सभी के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। एक चीज़ और है, एक तो न्यू पर्सन है, न्यू रिलेशनशिप है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, इम्प्रूव हो रहा है, तो शादी भी होगी। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात, आप डिज़र्व करते हैं एक डीप फुलफिलिंग लव, मैरिड लाइफ, वो आप कल्टिवेट कर रहे हैं और वो आपको मिल रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके साथ आपका एक फ्रेंडशिप कनेक्शन भी होगा,
पहले आपका उस पर्सन के साथ फ्रेंडशिप होगा, देन रोमांस होगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन और आपका जो मैरिड लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रुथ होगा, मतलब सच्चाई होगी और ऑनेस्टी होगी। आपके पर्सन आपके साथ हर एक दिन हर एक पल बिताएंगे, वो भी बहुत क्लियर बातें करेंगे, ठीक है, बहुत ऑनेस्टली ये पर्सन आपके साथ रहेंगे, ठीक है। एक बात मैं यहाँ पे आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा, बिना एफर्ट लगाए हुए, एफर्टलेसली आप दोनों एक दूसरे के करीब रहोगे, ठीक है। क्योंकि आपका सोच भी सच्चा होगा, इनका सोच भी बहुत प्योर होगा। जब इंटेंशन ही अच्छा है तो किस चीज़ का एफर्ट लगाना, कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है आपके लिए, कुछ सरप्राइजेस देना है, कुछ नया कुछ करना है आपके लिए, तो वो सब किया करेंगे। आप इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होगे, ठीक है। मैं आपको लव लैंग्वेज बताती हूँ कि इस पर्सन का लव लैंग्वेज क्या होगा, कैसा एफर्ट लगाएंगे ये पर्सन आपके लिए। प्योर रहिए, एकदम बिल्कुल कनेक्टेड हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। सबसे पहली बात, आपके ये जो पर्सन है ये आपके लिए, जैसे आप रात में सोते हुए रहोगे ना, तो कभी ना कभी अपने हाथों से, जैसे बचपन के टाइम में कैसे आप लव लेटर या कुछ लेटर तैयार करते थे, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को दिया करते थे, एक्सचेंज होता था, एग्जैक्टली ये पर्सन आपके लिए अपने हाथों से ग्रीटिंग कार्ड बनाया करेंगे और अपने दिल की बातें उस लेटर में लिखा करेंगे और आपको दिया करेंगे, ठीक है। मतलब ये इनकी इच्छा रही होगी कि कभी जो मेरी फ्यूचर स्पाउस बने, ठीक है, वाइफ हो हस्बैंड जो भी आपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, तो उसके लिए मैं ये सब कुछ करूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो पर्सन है आपके साथ बहुत सेफ, बहुत नर्चर फील करेंगे, और ऐसे ही ये पर्सन आपको भी सेफ, नर्चर एंड अडोर फील कराएंगे, आपका ख्याल रखेंगे, ठीक है। देन है यहाँ पे आपका प्लान अ सरप्राइज। ये पर्सन आपके लिए हमेशा सरप्राइज डेट रखा करेंगे। ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं से इनको पता चलेगा कि आपको डेटिंग करना बहुत पसंद है, रेस्टोरेंट जाना, खाना पीना, टाइम स्पेंड करना, तो ये आपके फेवरेट रेस्टोरेंट जो है बुक कर दिया करेंगे। और कभी कभी रात में कहा करेंगे कि रात में आज हम घर पर नहीं खाएंगे, हम बाहर खाएंगे, तो बाहर ये पर्सन आपको आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर जाया करेंगे। ये पर्सन आपके सामने हमेशा अच्छी बातें किया करेंगे, कुछ नेगेटिव बातें नहीं किया करेंगे। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा दिखाई दिया कि चाहे वो फ्रेजेस हो या अफर्मेशन हो या प्यारे प्यारे बातें हो, सब पॉजिटिव होगी इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो पर्सन हमेशा आपके साथ ट्रिप पे जाया करेंगे। वैसे ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा घूमे फिरे नहीं है, लेकिन जब आप इस पर्सन के लाइफ में होगे तो उनका दिल करेगा कि जब हम रोमांस कर रहे हैं तो किसी ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक प्लेस पे करें, ठीक है, रेनी सीजन हो, बिल्कुल क्लाउडी हो, ठीक है, घनघोर घटा छाया हुआ हो, वैसे जगह पे हम साथ हो, रोमांस करें। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, आपके पर्सन हमेशा आपको ट्रिप पर लेकर जाया करेंगे, ठीक है। और इस पर्सन के साथ आपका काफ़ी इंटीमेट कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है, बहुत प्यार किया करेंगे ये पर्सन। उसके बाद अगर लव लैंग्वेज की बात की जाए तो ये पर्सन हमेशा कभी ऑफिस जा रहे, कहीं भी जा रहे काम पे, ये आपके लिए कुछ सरप्राइजेस छोड़ दिया करेंगे, ठीक है। और जिसमें कि आपको, जब आप पढ़ोगे इस चीज़ को या गिफ्ट खोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया की आपकी सारी खुशी आपको मिल रही है। उसके बाद ये जो पर्सन है आपको लॉट्स ऑफ गिफ्ट दिया करेंगे। लास्ट है आपका लव लैंग्वेज, वो ये है कि आपके पर्सन को रनिंग बहुत पसंद होगा, ठीक है, रनिंग और क्लाइंबिंग ये सब बहुत पसंद होगा। तो इस पर्सन के साथ आप बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ भी किया कर रहे हो, ऐसा मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस कार्ड के को मैंने क्लैरिफाई किया। अब देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा है कि प्यार तो है, ऑनेस्टी भी है, लेकिन ये दोनों होने से कैसे होगा, पैसे भी होने चाहिए। तो यस, डेफिनेटली आप दोनों के मैरिड लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि अनलिमिटेड इनकम होगा। अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहेंगे, स्किलफुल बनना चाहेंगे, पैसे कमाना चाहेंगे, ठीक है, आपके पर्सन पूरी की पूरी तरह आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, आपके एबिलिटी को दबा के नहीं रखेंगे। ये चाहेंगे कि तुम्हारे अंदर वो जो स्किल है उसको बाहर निकालो, लोगों को दिखाओ, शो द रियल, ठीक है, रियल वन। आप अपने रियल वन को, जो आपकी रियलिटी है, जो आपका जेन्युइन साइड है, उसको आप जो है पूरी दुनिया को दिखाओ, ठीक है, ये चीज़ होगा। तो आपके जो पर्सन है ये पहले से ही जानते होंगे कि आप बहुत स्किलफुल हैं या फिर आपके अंदर टैलेंटेड है, टैलेंट है, आपके अंदर टैलेंट नोटिस करेंगे, तो वो चीज़ जो है वो चाहेंगे कि आप आगे लेकर जाओ, ठीक है, अपने लाइफ की जो हाईएस्ट पर्पस है उसको वर्क करो, ठीक है, ये अपने से ज़्यादा आपको ग्रो होते हुए देखना चाहेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी एनर्जी है एक्सप्रेशन। तो आप, हो सकता है कि कभी भी अपने फीलिंग को कभी भी किसी के सामने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं की हो, ठीक है, और हो सकता है कि आपको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इट मीन्स कि आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप अपनी बातें अपने पर्सन के सामने
क्लियर क्लियर रखें, एक्सप्रेस कर पाए अच्छे तरीके से। देखते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। फर्स्ट इंप्रेशन बताइए, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा गॉड? ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन देखते हैं कि आपके बारे में क्या सोचेंगे आपके पर्सन। वाओ, आप इनको बिल्कुल गॉडेस की तरह लगोगे। आपकी लुक्स इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। लुक्स वाइज आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा भाने वाले हो। और आपके साथ जब ये बैठे हुए रहेंगे ना, तो बहुत शांति सा महसूस होगा। जैसे आप नेचर में बैठते हैं, मून के नीचे, मून लाइट में, तो अच्छा फील होता है। एग्जैक्टली वही चीज़ दिखाई दे रहा है। उसके बाद वाओ, आप तो बहुत स्ट्रांग भी लगोगे इस पर्सन को, ठीक है। लायनेस की तरह, टाइगर्स की तरह, टाइगर टाइगर्स की तरह आप बहुत स्ट्रांग लगोगे। मतलब इनको आपसे बात करके ऐसा फील होगा कि आप एक बहुत केयरिंग पार्टनर तो बनोगे, उसके साथ साथ आप बहुत अच्छे मदर या बहुत अच्छे फादर बनने वाले हो। तो ऐसे इंसान को कौन छोड़े? ऐसे इंसान से तो शादी होगी ही होगी। तो वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके स्ट्रेंथ को देखकर, वो आपकी शीतलता शांति को देखकर इम्प्रेस हो जाएंगे, ठीक है। अगर एज आपकी काफ़ी हो गई है सेकंड थर्ड मैरिज वाले, तो भी होगी आपकी शादी और काफ़ी धूमधाम से होगी। अगर आप एकदम डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं खुद की, तो ज़रूर पर्सनल रीडिंग लीजिए जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल है, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो और इंस्टा आईडी के थ्रू कर सकते हो। देखिए कभी कभी टंग स्लिप करते हैं क्योंकि काफ़ी डिटेल रीडिंग होती है, बोलना पड़ता है, ठीक है। ऑलराइट, ओके, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? आपके जो पर्सन है इनको आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा फील होने वाला है। ऑलराइट, इस पर्सन को ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लकी महसूस होगे, क्योंकि जब भी ये फर्स्ट है आपसे मिलेंगे ना, तो उसी दिन इनको कोई गुड न्यूज़, कुछ सरप्राइजेस सुनने को मिलेगा, ठीक है। और ये गुड न्यूज़ सरप्राइजेस जो है आपके आने की वजह से ही इनको मिलेगा। तो ये पर्सन आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा लकी मान सकते हैं। आप इनके लिए लकी साबित हो जाओगे पहले दिन में, ठीक है। 3 दिन के अंदर कोई गुड न्यूज़ इनको मिलेगा, जिसके वजह से आप इनके लिए एकदम अबंडेंस की तरह हो गए, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। उसके बाद यहाँ पे है आपका 5th चक्र, आर्क एंजल गैब्रियल। ये वो इंसान है जो कि आपको प्रोटेक्ट तो करेंगे, लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा ये है कि आपका ख्याल रखेंगे, केयर करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका क्या मतलब फीलिंग होगा इस पर्सन को लेकर। फर्स्ट टाइम क्या फील करोगे इस पर्सन के बारे में? ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या फीलिंग होगी? ओके, फर्स्ट तो सबसे पहले 11-11 लिख के क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, पाइल 2। और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत ज़्यादा इनकी पर्सनालिटी फिजिक अच्छी लगेगी और काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान लगेंगे। चाहे मेंटली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, आपको ये बहुत बैलेंस लगेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैसे लगेंगे? वाओ, आपको ऐसा दिल करेगा कि कहीं लेकर इसको भाग जाया करें, ठीक है। मतलब ऐसा फील होगा कि ये इससे परफेक्ट कौन हो सकता है, इसको लेकर मैं भाग जाऊँ, इसको लेके मैं अब भी क्या भी भाग जाऊँ, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी दूर प्लेस पे बस जाऊँ, ऐसा आपको फील होगा, ठीक है। तो आप इस पर्सन को लेकर बहुत पॉजिटिव रहेंगे, बहुत पॉजिटिव। आपको फर्स्ट इंप्रेशन में ही ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे लिए ही बने हैं, ये मेरे सोलमेट है, ठीक है। उसके बाद देखिए पेशेंस की एनर्जी है, इनके बातों में आपको पेशेंस नज़र आएगा, पेशेंस बहुत अच्छा लगेगा इनके अंदर। और क्या फील करोगे इनको लेकर? ओ माय गॉड, आप इनको लेकर फर्स्ट टाइम में ही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर लोगे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, स्पिरिचुअल यूनियन आप दोनों के बीच में हो जाएगा। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फील होगा इस पर्सन के साथ आपको। मतलब आपको ऐसा लगेगा ना कि ये मेरे लाइफ को पूरी तरह बदल देंगे, मेरे जो भी सफ़र हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चले हैं, ये वो इंसान है जो कि मुझे हील कर देंगे, ठीक है। तो आप रेडी हो जाओगे सारे जो भी आपके साथ बेमानी हुई, दुख दर्द हुआ, इसको भूलने के लिए। लेकिन आप शर्त आपका ये होगा कि ये आपको मिल जाए। तो वो चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं कि आप दोनों का मैरिड लाइफ कैसा रहने वाला है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसा होगा मैरिड लाइफ? फर्स्ट, वाओ, नाइट ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा ड्रीमी लव है आपका। आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन हो। देखिए आपका ये रोमांस, ठीक है, ये फुलफिल होने वाला है। आपका ड्रीमी लव होगा, ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिव लव होगा। लोग देख के हाँ हाँ कहेंगे, वाह वाह वाह, हाँ हाँ एकदम ऐसे ही होना चाहिए। उसके बाद देखिए एस्टैब्लिश लव होगा, ठीक है, रिलायबल लव होगा। और देखते हैं कैसा होगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरू से ही बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई सेक्रीफाइस नहीं करना होगा और सेल्फ लव होगा, ठीक है। आप दोनों साथ मिलके एक दूसरे का काफ़ी ज़्यादा ख्याल करोगे और अपना भी ख्याल रखोगे, ठीक है। तो ये सारी बातें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि इन लॉस के साथ कैसा कनेक्शन होगा। 4 कार्ड इसके थ्रू ही देख लेते हैं।
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज. कैसा होगा इन लॉस के साथ कनेक्शन? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज. ओके फर्स्ट ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक चेंजेस होगा. जैसे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आपका इन लॉस के साथ शुरुआत बहुत अच्छा नहीं हो, ठीक है, लेकिन फिर एक मिजरेबल चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. बहुत अच्छी एनर्जी तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पे पहले उन लोगों के मन में कुछ मिसकंसेप्शन हो जाएगा, आपके मन में हो सकता है मिसकंसेप्शन हो जाए, ठीक है, गलत आप सोच लो, वो सोच ले, ठीक है, लेकिन जब क्लियरिटी लाने वाले होंगे तो वो आपके पार्टनर ही होंगे, ठीक है, आपका और इन लॉस के बीच में सुलह करवा देंगे. उसके बाद और भी देख लेते हैं. ओ माय गॉड, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो देखिए इन लॉस बहुत अच्छे हैं, पूरे दिल से आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं और काफ़ी धूमधाम से आपकी शादी हो रही है. और देखते हैं टू कार्ड्स हैं यहाँ पे. स्ट्रगलिंग ओवर बर्डन लव और राइट और इमोशनल नीड्स. हाँ, शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की याद आएगी, ठीक है, आपको अपने पार्टनर के साथ तो बहुत मन लगेगा, लेकिन हो सकता है इन लॉस के साथ मन ना लगे. हो सकता है कि वो लोग काफ़ी धूमधाम से आपको एक्सेप्ट कर ले, रीति रिवाज से शादी करवा ले, लेकिन फिर भी आपको शायद उनको लोगों के साथ उतना मन ना लगे, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है. तो आपको उन लोगों के साथ रह के, इन लॉस के साथ रह के अपनी फैमिली की याद आएगी, थोड़ा स्ट्रगल सा फील हो सकता है, ठीक है. एक टाइम ज़रूर ऐसा होगा कि आप लोग कहीं और चले जाओगे, अपने इन लॉस के साथ नहीं रहोगे, ये वाली एनर्जी है. देखते हैं कि क्या है नेम इनिशियल आपके पर्सन का. प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज. नेम इनिशियल बता दीजिए. वाई टी ओ. प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज. डी के बी सी पी जे ई एंड लास्ट वन इज जी. ठीक है, अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हैं. बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग. प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज. जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके लाइन हो जाइए ताकि आपके लिए परफेक्ट मैसेज आए. एंड देखिए परफेक्ट मैसेज है महाराष्ट्र एंड उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, बिहार और देखते हैं दिल्ली, पंजाब, मेघालय, हिमाचल प्रदेश. प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स. तमिलनाडु, लक्षद्वीप, उड़ीसा, लास्ट वन इज यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल हो सकता है. वेस्ट बंगाल के आपके पर्सन हैं, ठीक है, जिससे आपकी शादी होगी. ऑल राइट, अब मैं आपको बताऊँगी ये जो पर्सन है ये आपके लाइफ में कब आएंगे. प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स. सबसे पहले है यहाँ पे आपका कमिंग ट्यूसडे, ठीक है, विद इन अ ईयर इस पर्सन से आपकी शादी होगी. इस तरीके से एकदम शादी धूमधाम से होगी, काफ़ी शानदार वे में. उसके बाद कमिंग थर्सडे, ओके, और देखते हैं कब आएंगे पर्सन. जुलाई अगस्त के टाइम में ये पर्सन आ सकते हैं, ठीक है, स्प्रिंग सीजन में आएंगे. ऑल राइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक है सितंबर, अक्टूबर, ऑटम सीजन. अब देखते हैं ये पर्सन आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं. पॉजिटिव रहिए प्लीज़. जो भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं जल्दी से अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके. ऑल राइट, सबसे पहले यहाँ पर आपका है आई वॉन्ट टू टच यू. इनका लव लैंग्वेज टच करना होगा, ठीक है. उसके बाद है बहुत ज़्यादा टच करना, प्यार करना, पैम्पर करना. ये पर्सन कभी भी कुछ गलत करेंगे तो उसको फील करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है. उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कभी इनको ऐसा फील होगा कि आप इनको प्यार नहीं कर रहे हो, समय नहीं दे रहे हो, तो वो भी आपको बता देंगे, ठीक है. उसके बाद ये पर्सन आपके साथ इस तरह बातें करेंगे जैसे कि एक टेलीपैथिक कनेक्शन हो, बिना कोई वर्ड यूज़ किए हुए. और ये पर्सन जो है आपके साथ होने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, ठीक है. ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. मे भी ऐसा हो सकता है आपकी कोई क्रश है जो कि अभी आप बहुत आप भी हेल्पलेस फील कर रहे हो, वो भी बहुत होपलेस फील कर रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ ही होना चाहते हैं, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ठीक है. वो आपके लिए सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने कंधे पे उठाने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है कभी वो आपके लिए रोएंगे भी, ठीक है, तो वो अपने टीयर्स को अपने स्माइल से छिपा लेंगे, ठीक है. ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है. अब देखते हैं आपके पर्सन कौन से कंट्री के हैं. ऑलराइट, सबसे पहले तो आपके पर्सन इंडिया के होंगे, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे है प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज. मे बी ये पर्सन सिंगापुर के हो सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, नेपाल, श्रीलंका, जर्मनी. कुछ और देखते हैं लास्ट यहाँ से. प्लीज़ गॉड, इटली, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, ठीक है. और देखते हैं
आपके जो पर्सन है वो मॉन्टेनेग्रो के हो सकते हैं, एंड यहाँ पे है पेरू, एंड लास्ट वन इज यहाँ से दिस वन, सो ये आपका है उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये सारे कंट्रीज हुए, कुछ और भी कंट्रीज हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, पेशेंस रखिए प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन सी कंट्री के होंगे इनके पर्सन। सबसे पहले है आपका पोलैंड, ठीक है, देन ये पर्सन आपके हो सकते हैं ब्रूनी, मे बी ये पर्सन यूक्रेन के हो, एंड ओके मे बी ये पर्सन यूएई के हो सकते हैं और इज़राइल के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए आपके कंट्रीज़। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या है। ठीक है, प्रोफेशन देखते हैं। सबसे पहले इस पर्सन का प्रोफेशन सिविल सर्वेंट, बिजनेस में हो सकते हैं, मार्शल आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये पर्सन म्यूज़िक कंपोज़र हो सकते हैं। आपके जो पर्सन है वो एक एक्टर हो सकते हैं, सेक्रेटरी, इलेक्ट्रीशियन, सोल्जर, फॉरेस्ट रेंजर, सेल्स पर्सन, मॉडल, एयर होस्टेस, प्रोफेसर, डॉक्टर, एंड लास्ट वन इज़ एयरफोर्स ऑफिसर, पेंटर। ठीक है, तो ये सारे हो गए इस पर्सन के प्रोफेशन। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो फर्स्ट टाइम आपको कहाँ मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल पेशेंस रखिए। ऑल राइट, फर्स्ट टाइम ये आपको मिलने वाले हैं बेकरी, वाटर पार्क, डिपार्टमेंट स्टोर, अब्रॉड, एयरपोर्ट, देन ये पर्सन आपको किसी स्पोर्ट्स शॉप में मिल सकते हैं, फूड कोर्ट में मिल सकते हैं, एंड लास्ट वन इज़ एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये सारे चांसेस है, कहीं आप फॉरेन जा रहे हैं क्योंकि फॉरेनर भी हो सकते हैं ये पर्सन। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं वो है फिलहाल टू मोहब्बत, ऑल आई आस्क एडल, तुम मिले, उसके बाद लास्ट वन है बारिशें, अनूप जैन। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके पर्सन सुनते हैं, पसंद बहुत अच्छी हो सकती है। अब देखते हैं कि पर्सन लुक्स वाइज कैसे होंगे, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। स्क्रीन पर शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल है, डायरेक्टली मैसेज कीजिए या फिर आप इंस्टा आईडी के जेन्युइन लिंक को छू कर पहुँच जाइए। ठीक है, ग्रे हेयर, वंडरफुल लुक होगा इस पर्सन का, मॉडर्न होंगे आपके पर्सन, बहुत केयरिंग होंगे, फुल लिप्स, बाउंसी हेयर, ब्राउन आइज, टैन, टॉल एंड फिट होंगे, स्लिम होंगे और स्किनी हो सकते हैं, वेल ब्यूल्ट, एंड लास्ट वन इज वेल ब्यूल्ट, टॉल, ब्राउन स्किन, लार्ज हेजल आइज एंड शॉर्ट नोज हो सकता है। ठीक है, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा, तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए। ठीक है, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।